अस्सलामुअलैकुम। देखिए ये ड्रीमलैंड है न्यू जर्सी में, आज मैं आपको विजिट करा रहा हूँ हमारे तमाम सामीन को नाजरीन को ड्रीमलैंड का। ये न्यू जर्सी में है और न्यूयॉर्क से सिर्फ 5 किलोमीटर पर है। ये मॉल भी ये सेकंड लार्जेस्ट मॉल है यूनाइटेड स्टेट का, अमेरिकन ड्रीम के नाम से ये मशहूर है। काफी बहुत बड़ा, अंदर तमाम ब्रांड की स्टोर्स हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज है, इंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज है। तो आइए अंदर चल के मैं आपको इसके बारे में बताऊं, आपको ले चलता हूं मैं इसमें ड्रीम, अमेरिकन ड्रीम में। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। न्यू जर्सी में अमेरिका के सेकंड नंबर पे जो लार्जेस्ट मॉल है, अमेरिकन ड्रीम का विजिट कराने आया हूं। और ये ड्रीम मॉल 2022 में अभी ही मकसद स्टार्ट हुआ है। वैसे तो 2020 में शुरू कर दिया था, मगर कोविड की वजह से ये बंद रहा, मगर अब इसको शुरू कर दिया गया है पब्लिक के लिए। तो मैं आपका इसका विजिट कराता हूँ, आप देखें कितना खूबसूरत ये अमेरिकन ड्रीम है। ये रिटेलर शॉप्स के अलावा ये इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स का भी बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ बेशुमार बड़ी अच्छी अच्छी अट्रैक्शंस हैं, आपको मैं बताते जाऊंगा और मैं आपको वहां लेके भी जाऊंगा। देखिए कितना खूबसूरत मॉल है, न्यूयॉर्क से तकरीबन 5 किलोमीटर पर है ये। न्यू जर्सी में ये वाकई है, मगर यहाँ से न्यूयॉर्क जो है सिर्फ 5 किलोमीटर पर है। न्यू जर्सी में रखने की मैं तो समझता हूँ कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि न्यूयॉर्क कुछ कॉस्टली है, वहाँ शॉप्स में माल भी कुछ कॉस्टली मिलता है और वहाँ तमाम चीज़ें ज़रा महंगी हैं न्यू जर्सी के हिसाब से। तो ज़्यादातर न्यूयॉर्क के लोग जो है शॉपिंग और रिहाइश भी या न्यू जर्सी में ही इख्तियार करते हैं। मेरी अपनी रिहाइश भी जो है न्यू जर्सी में ही है और हमारे घर से अगर हम आए, यहाँ से तो खैर 5 किलोमीटर पर है न्यूयॉर्क, मगर हमारे घर से तकरीबन ड्राइविंग का जो जो है वो 30 मिनट या 25-30 मिनट का है। बाय रोड अगर आए तो 20 से 30 मिनट लगते हैं हमारे घर के पास से। देखें फने मुसवरी का कैसा जबरदस्त दिलकश नज़ारा है। देखें मुसवरी से प्यार करने वाले तो इनका तो दिल खुश हो जाएगा देख के ये। और ये देखें फनून लतीफा से ताल्लुक रखने वाले लोग, देखें कितना दिल खुश हो जाएगा, क्या खूबसूरत वर्क है यहाँ पे आर्टिस्टों का। अभी सुबह के 11:30 बजे हैं, आज वेनसडे है, कुछ ऑफिस भी मेरा आज ऑफ था तो मैंने कहा कि चलें आज आपको अमेरिकन ड्रीम का भी विजिट करा दूं। जितने भी ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, इन सब के यहाँ बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत देखने से काबिल है। देखें कितनी
सफाई है, कितनी खूबसूरती। आपको कहीं भी जरा सा भी आपको कचरा नजर नहीं आएगा यहाँ पर। जोनी बेस के नाम से ये देखते जाए, कितना जबरदस्त माशाल्लाह आर्टिस्टिक वर्क है, क्या बात है। आर्ट से ताल्लुक रखने वालों का तो बहुत ही दिल खुश हो जाएगा ये सब कुछ देख के। अभी मैं आपको ऊपर कई फ्लोर पे ले जाऊंगा और या जो जो चीजें हैं अच्छी सी अट्रैक्शन है ये सब मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैंने एंट्री दी है, ये शॉप्स का भी नजारा करें। देखिए कितना खूबसूरत है, पब्लिक के लिए कितनी देखिए अच्छी बैठक रखी हुई है यहाँ पे, हर जगह पब्लिक के लिए सोफे और बहुत अच्छी तरह देखे रखे गए हैं। जो भी यहाँ विजिटर आए वो यहाँ बैठ सकते हैं फैमिली के साथ। ये अभी अमेरिकन ड्रीम का ये पोर्शन भी देखे माशाल्लाह, अमेरिकन ईगल्स के नाम से, और बड़े बड़ी बड़े ब्रांडे ब्रांड्स यहाँ पर हैं जिन्होंने अपने स्टोर्स खोले हुए हैं। विक्टोरिया सेक्रेट के नाम से ये पिंक पिंक विक्टोरिया सेक्रेट के नाम से ये है। देखिए बहुत ही खूबसूरत मॉल है। रिटेलर शॉप्स के साथ साथ यहाँ इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की भी तमाम चीज़ें मुहैया की गई हैं। एक्सप्रेस के नाम से ये देखिए ब्रांड है, ये 40% डिस्काउंट पे सेल हो रहा है यहाँ पे। आइए मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। कोको कोला इट्स ड्रीम व्हील्स, अमेरिका का सेकंड लार्जेस्ट मॉल। देखें ये नीचे का सारा खूबसूरत मनाजर देखे। अब मैं आपको जो है ना स्प्रिट हेलोवीन वाले स्टोर पर ले जाता हूँ। अच्छा, यहाँ अमेरिका में चूँकि सर्विसेज बहुत सारी है, लोग कम हैं, तो हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई वी आर हायरिंग। हर एक को ज़रूरत होती है कि भाई यहाँ लोग इनको मिल जाए। मैं अंदर स्टोर दिखाता हूँ, हेलोवीन हॉरर ड्रावना, बच्चे तो ज़्यादा खुश होंगे। देखें ये हेलोवीन ड्राउ सारी सब चीज़ें। ये देखें साउंड भी दे रहा है, ये देख ले। बाकायदा ईद की तरह मनाते हैं ये लोग हेलोवीन का एक डे, और सब लोग ये सब चीज़ें पहनते हैं इसको। ये सब सेल में मौजूद है यहाँ पर। ये देखिए अब मैं आपको एक और स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, बहुत बड़ा
डिपार्टमेंट स्टोर में लिखते हैं बेस्ट बाय के नाम से, हर चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक की तमाम अशिया मौजूद हैं यहाँ पे, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और हर चीज़। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो यहाँ ना हो, आपका दे ऐसा देख के कहेगा कि इसको परचेस कर लिया जाए। लेटेस्ट आईफोन 14 प्रो के नाम से देखिए आईफोन है ये, और लैपटॉप एप्पल के यहाँ देखें, हर ऐसी सीरीज आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक की, सारी ऐसी सीरीज और सब ब्रांड जितने भी यहाँ पर है तो सब ब्रांड की चीज़ें मिलेगी आपको। आपको मैं दिखाऊँ एचपी की तमाम चीज़ें मिलेगी यहाँ पर, एचपी का सारा सामान है ये, लॉजिटेक के नाम से है इनका सारा आपको सामान मिलेगा, कंप्यूटिंग का सारा है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का सारा है, और ये डेल्टा का भी काफ़ी है यहाँ पर सामान आप देखें, लैपटॉप कंप्यूटर और लेटेस्ट ब्रांड के सारे बेस्ट बाय के नाम से है। ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का, ये असस के नाम से उसका है, वो भी सभी जगह है यहाँ पर बनाई गई है, ये है बिग सुनो। स्नो एवरी डे, पूरा स्नो का आपको अंदर नज़ारा मिलेगा। देखिए पूरा स्नो ऐसे जो है बर्फ़ है, पूरी बर्फबारी है। और ब्रांड देखें आप, अमेरिकन ड्रीम माल जो है ये ओपन हुआ है 2020 में, और इनकी न्यू जो ओनर है वो कैनेडियन बेस हैं, 555 ग्रुप के नाम से है इनके ओनर है, कैनेडियन बेस हैं, और इन्हीं ओनर ने जो है इनका अपना मिनेसोटा में भी एक अपना मॉल है, द मॉल ऑफ अमेरिका के नाम से, ये अमेरिकन ड्रीम जो है 3 मिलियन स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है, इंटरटेनमेंट और रिटेल स्पेस यहाँ पर हैं, डिस्कवरी सेंटर, सी लाइफ एक्वेरियम, बिग स्नो, इंडोर स्काई स्लोप, बेशुमार अट्रैक्शंस यहाँ मौजूद हैं यहाँ पर। पार्किंग एरिया की जो है चार्ज $5 लेते हैं ये लोग। जैसे मैं बता चुका हूँ कि न्यूयॉर्क से तो सिर्फ 5 किलोमीटर पर है ये, और न्यूयॉर्क के लोग बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत प्यार। इतना खूबसूरत, इतना बड़ा, इतना हसीन और बेहतरीन माल देखकर दिल खुश हो जाता है। यहाँ म्यूज़िक के प्रोग्राम भी होते हैं इवनिंग में, we
बेहतरीन यहाँ से अगर मिरर से हम देखें तो वहाँ न्यूयॉर्क की बुलंद बाला इमारतें नज़र आएंगी हमें सामने, क्योंकि 5 किलोमीटर पर देखिए कितना खूबसूरत मंजर है। ज़ारा प्री मार्केट बिग शो का भी यहाँ पर पोर्शन है इस जगह पर। और मैं आपको ये देखिए खूबसूरती बताऊँ, यहाँ का झूमर देखिए कितना ज़बरदस्त है। खूबसूरत पेंटिंग, कितनी जबरदस्त पेंटिंग भी की गई यहाँ पे। अमेरिकन ड्रीम में आके दिल खुश हो जाता है यहाँ पे। लोग अपनी फैमिलियों के साथ आते हैं, एंजॉय करते हैं। और अमेरिका का ये सेकंड लार्जेस्ट मॉल इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स पर मुश्तमिल सारी सहूलियात यहाँ मौजूद हैं। पब्लिक के लिए देखें कितना अरेंज खूबसूरत बेहतरीन अरेंजमेंट रखा गया है यहाँ पे। एडवेंचर बे के नाम से ये पोर्शन है। ये वाटर पार्क का पोर्शन है अमेरिकन ड्रीम में। यहाँ बाकायदा आर्टिफिशियल है ना बीच बनाई गई है। ये वाटरफॉल का है, ये लिबर्टी स्टैचू है। इट्स शुगर के नाम से ये चॉकलेट वगैरह की शॉप है। अमेरिकन ड्रीम न्यू जर्सी। ये बच्चों के झूले का पोर्शन है। ये अमेरिका का सेकंड लार्जेस्ट मॉल है जिसमें रिटेलर भी हैं और इंटरटेनमेंट का भी सारा सहूलतें यहाँ हैं। न्यूयॉर्क से 5 किलोमीटर पर है ये। वैसे ये न्यू जर्सी में होता है अमेरिकन ड्रीम, मगर चूँकि ये करीब में ही न्यूयॉर्क मैनेथन है 5 किलोमीटर पर, तो लोग ज़्यादातर इस मॉल में ख़रीदारी करते हैं। इसलिए कि न्यूयॉर्क में कुछ चीज़ें महंगी भी हैं, वहाँ टैक्सेस भी ज़्यादा है, तो लोग अमेरिका में न्यूयॉर्क में काम भी करते हैं, मैनेथन में सर्विस भी करते हैं, लेकिन रिहाइश इन्होंने न्यू जर्सी में रखी है। मैं भी हेल्डन, मेरा इलाका है न्यू जर्सी में, यहाँ से तकरीबन 20-25 मिनट की ड्राइव है। स्काई रेलवे के है ये देखें बच्चों के कितने बड़े बड़े खूबसूरत झूले वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे अमेरिकन ड्रीम में। ये अभी मैं आपको नेकलोडिन यूनिवर्स में लेके आ चुका हूँ अमेरिकन ड्रीम के। अब आपको दिखाता हूँ ये बच्चों के, देखें कितने बड़े बड़े यहाँ झूले लगे हुए हैं सारी चीज़ें। और इस जानिब जो है ये ड्रीम वर्क्स का वाटर पार्क है। और इस तरफ भी देखिए आप, ये लिबर्टी स्टैचू लगा हुआ है यहाँ पे। तो मैं आपको पहले ये लेके चलता हूँ यहाँ पर अपने बच्चों के झूलों की तरफ। देखिए बच्चे कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर इन झूलों में। देखिए
कितना ज़बरदस्त है देखें ये माशाल्लाह। देखिए है ना एंजॉयमेंट का कितना। हर तरह के झूले लगे हुए हैं यहाँ पे, मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने बेहतरीन ज़बरदस्त झूले लगे हुए हैं। फैमिली आती हैं, एंजॉय करती हैं, गिफ्ट शॉप्स हैं यहाँ पे। मॉन्स्टर ट्रक रैली, ब्लू स्काई डो, बच्चों का प्ले एरिया है ये। नेकलोडिन यूनिवर्स के नाम से ये जाना जाता है प्ले एरिया। अमेरिकन ड्रीम के अंदर ये मौजूद है। जब भी न्यू जर्सी में आना हो तो आप इस, अभी मैं ये वाटर पार्क वाले पोर्शन की तरफ आ चुका हूँ तो मैं आपको विज़िट कराता हूं। इससे पहले मैं ये टॉयज़ रस के बारे में देखें। ये टॉयज़ रस के नाम से शॉप है बहुत बड़ी, और ये अमेरिका में बच्चों के जो टॉयज़ वगैरह खिलौने ये सेल करती है। अमेरिका में बच्चों के हर तरह के खिलौने यहां पे मिलेंगे आपको टॉयज़ के नाम से। ये है और ये बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका में है। इसका काम ही सिर्फ ये है कि ये बच्चों के टॉयज़ वगैरह और मिकी माउस और हर तरह की जो है आप देखें यहाँ मिलेंगे आपको, निंजा और टर्टल। और देखें माशाल्लाह बड़ा बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। इसका रेल के नाम से है। और ये देखें अमेरिकन ड्रीम में ये बच्चों के झूले का पोर्शन है। ये बिकनी बॉटम के नाम से ये देखें, बच्चे यहाँ पे एंजॉय करते हैं बिकनी बॉटम के नाम से। बहुत ही अच्छा प्ले एरिया है। गिफ्ट शॉप्स अलग है। बच्चों के लिए गिफ्ट्स यहाँ पे $10, $7.99 डॉलर गई है।